हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आप लोगों का हिमालयन ट्रेवलर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, धूप छाँव आ रही होगी, चला लेना काम। आज मैं व्लॉग बना रहा हूं। वैसे तो लद्दाख सीरीज आ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज मैं एक मतलब अपने घर में खूबसूरत मेहमान को लेकर आने वाला हूँ। एक कुत्ता एडॉप्ट कर रहा हूँ, बाकी आज मैं गाँव जा रहा हूँ चंपावत, तो मम्मी लोगों को भी सरप्राइज़ देने वाला हूँ। और वो छोटा कुत्ता भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसमें आज वो 80 किलोमीटर का सफ़र करने वाला है मेरे साथ, उसको ले जाने का थोड़ा जुगाड़ बनाता हूँ। बाकी चलते हैं फिर कुत्ते के पास। तो अल्फा का बच्चा मैं लेके जा रहा हूँ, ये अल्फा का बच्चा है। चले बेटा, इसको मैं लेके जा रहा हूँ। बेटा जा रहा है यहाँ तेरा बच्चा, बाय बाय बाय। हाँ जा रहा है तेरा बच्चा, ठीक है। अल्फा ले, ले खा ले बेटा। हाँ इसका बच्चा जा रहा है, ये भी खाएगा भी नहीं, खा ले खा ले अल्फा। इसके बच्चे तो नहीं ले जा रहा हूँ, अब दूसरे वाले के बच्चे ले जाता हूँ। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है अल्फा। ए अल्फा बाय। दूसरों के बच्चे लेने के लिए आएगा। अरे हाँ हाँ, इसकी आँख पूरी खुल गई है। हाँ इसको रख दो, उसमें डब्बे में रख दो छोटा सा, ठीक है। तुम्हारा ही भाई लेके जा रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये जो बच्चे हो, जो बड़ी वाली बैठी है, इसके बच्चे हैं। और इसका एक बड़ा वाला लड़का है, इसकी देख रेख करता है इसके बच्चों की। बेटा तेरा कुत्ता ले जा रहा हूँ मैं। चुनुन को बड़ा पसंद आ गया है कुत्ता। ब्रूनो रखूँ इसका नाम? हाँ, ब्रूनो भी रख सकते हैं। ब्रूनो ना, ब्रूनो। हेलो, शांत है लेकिन। व्लॉग बना रहे? हाँ, ये हमारा नया डॉग है, इसका नाम है ब्रूनो और ये बहुत ही क्यूट है। आज इसको घर लेके जाते हैं, जिसकी जिंदगी का पहला सफर होगा 80 किलोमीटर मेरे साथ बाइक में। तो मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ बैग, मैंने बांध दिया है। बाकी सचिन से बोल दिया मैंने यार कि तू गेट खोल दे। अभी तो इस तरीके से पकड़ के ले जा रहा हूँ, आगे जाके कुछ तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी इसकी। एक तो सिंगल हो गया हूँ ना मैं। चलो देखते हैं, लेट्स सी। जय भोले शंकर। ठीक है सचिन, बाय। हाँ अभी आगे से कुछ करता हूँ यार, कहाँ पे रखूँ? यहाँ पे रखना पड़ेगा टैंक में। अभी एक रस्सी मार देता ना, इधर रस्सी में रिस्क है ना, गिर गया बेचारा, क्या करूँगा। चल ठीक है, बाय। चला दे दो यार इसको, अभी तो घर जा रहा हूँ ना, एक कुत्ता लेके जा रहा हूँ ना यार। एक थैला मिल जाएगा बड़ा वाला, इसको ले जाते हैं यार। अब ले कैसे जाऊँ, यहीं पर आगे रखना पड़ेगा। क्यों ऐसे लेके जाता हूँ ब्रूनो को, देखते हैं क्या होता है। बाकी तेल भराना है यार, तेल भरा लेते हैं। मोदी जी भी बड़े चालू हैं, पहले 105, 106, 107 कर दे रहे हैं, फिर 5 रुपये से कम कर दे रहे हैं, तब भी तो 101 ही चल रहा है। चलो 108 चल रहा था, 2 उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कम किया शायद, 5 उन्होंने। सो गाइज, अभी तक तो ब्रूनो शांत बैठा है, एक्चुअली पहुँच गया हूँ मैं। बाकी हल्की हल्की गर्मी हो रही है, तो बेचारे को गर्म ना हो, मेरे को ये डर लग रही है। बाकी यार गाइस, जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, अलग अलग सजेशन देते रहते हैं, यार ये कर वो कर। अगर आप सब किसी की बात सुनने लग गए ना, तो ये लेके चलो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको जैसा मन करता है वैसा करो, और धीरे धीरे जहाँ पे लगता है चेंज करना है उधर करो। चंपावत यहाँ से 71 किलोमीटर दूर है। देखो कहने और करने में बहुत अंतर होता है यार। आपकी यात्रा मंगलमय हो। दिखने लग गए सारे नेताओं की फ्लैग्स फ्लैग्स। जय गुरना माता। इतनी बढ़िया रोड बनी थी यार, लेकिन अभी वो जो 3 से 4 दिन बारिश हुई उत्तराखंड में यार, बहुत ज़्यादा तबाही लेके आई, बहुत ज़्यादा तबाही। ज़िंदगी में मैंने अभी तक इतनी ख़तरनाक बारिश नहीं देखी यार, जो 3-4 दिन में हुई थी ना। सो गाइस, 1 बज गया है, वैसे तो दिन के खाने का टाइम हो गया है, लेकिन खाना तो खाऊंगा नहीं, तो मैं खा लेता हूँ चने इधर।
मीना बाजार जगह है। एक बार भी इसने आवाज़ नहीं करी, लेकिन यार मेरी गाड़ी में स्क्रैच लग गए इससे यार। स्वीट मैन, ओहो गाड़ी में स्क्रैच लग गए, कोई बात नहीं, बढ़िया से बैठ रखा है। हाँ हाँ चटनी डाल दो, बस बढ़िया लगा दिया भाई साहब ने। चना तो मैंने खा लिया है, बट ये बेचारे को दूध पिला के देखता हूँ। पी ले बेटा दूध, लेकिन ये है कि गाड़ी चलाते टाइम उतना आवाज़ नहीं कर रहा है, आवाज़ उतना क्या कर ही नहीं रहा है, एकदम शांत बैठा है। सही है, अभी थोड़ा बहुत दूध पिया। गाइस चंपावत पहुँच गया हूँ मैं, अब यहाँ से जा रहा हूँ अपने गांव चूरा घर की तरफ को। एक शॉर्ट रास्ता है छतार से। अरे तो मेरी गांव वाली रोड में भी पूरा पहाड़ आ गया यार, पहली बार लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है मेरी गांव वाली रोड में। भाई साहब देखो ना यार क्या बारिश हुई, इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड देखो यार, बाप रे। बल्कि मेरे गांव में जो है इतने बांज के पेड़ है, यहाँ मतलब ही नहीं होता है लैंडस्लाइड होने का, देवदार तक के पेड़ है देखो। सो गाइज हम दोनों के दोनों सही सलामत पहुंच गए हैं घर में, और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, मैंने भी जैकेट पहन ली, उस बेचारे को बहुत ठंडा लग रहा था। तो थोड़ी देर मैंने क्या किया है कि उसको अंदर रख रखा है, मैं आपको उससे मिलाऊंगा। ये मेरे से भागता है रे बछिया। बाकी अभी पापा लोग जा रहे हैं लुट्टा लगाने, तो आज आपका भाई भी जाएगा लुट्टा लगाना, मतलब लुट्टा लगाना आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, और मैं भी सीखूंगा लुट्टा लगाना। तो घास इकट्ठा करने को बोलते हैं लुट्टा लगाना। हम लोग क्या करते हैं कि जाड़ों के टाइम में बहुत ठंडा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग अभी जो घास है लगी हुई उसको सुखा के लुट्टा बनाते हैं, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसा ये बनाया है ना लुंगा, इसी तरीके का लुंगा इधर बनाना है, लुट्टा लुंगा जो भी है। तो ये घास हम लोगों ने इकट्ठा करी है अभी और लेके आ रहे हैं, और उधर हमारा मकान है। बाकी अभी भी देखो पूरी घास की कटाई नहीं हुई है, बची हुई है, बरसात की वजह से इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो गई, वरना दिवाली तक तो लगभग हमारे यहाँ घास की कटाई हो जाती थी। और उधर पे है हमारा टी गार्डन पूरा, इधर भी है, और उस साइड तो मैंने आप लोगों को दिखाया जो मेरा फेवरेट काफल का पेड़ है, आप लोगों को कितनी बार बोला होगा वीडियो में न जाने मैंने। तो मैं अभी घास लेने जा रहा हूँ नीचे। तो दोस्तों इतना बड़ा लेके जा रही है मेरी मम्मी, मैंने कहा मैं ले जाता हूँ, बोल रही तू नहीं ले जाएगा क्योंकि मैंने अपने लिए अलग ड्रेस बनाई है, बल कुमर चुभ जाते हैं कह रही है। तो ये सही ले जाने वाली है, और ये छोटा वाला मैं लेके जाने वाला हूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि अपनी मम्मी को इतना बड़ा दे रहा है, मैंने बोला, लेकिन मम्मी जिद कर रही है कि मेरी अलग ड्रेस है करके। देखो अब कैसे उठाते हैं, टैलेंट देखना अभी। हाँ पापा कर रहे हैं हेल्प, ये उठा दिया, अभी लेके जा रही है, ले जा देगी, भारी तो नहीं हो रहा है। अरे चल ठीक है फिर, ठीक है ले जा। पापा बोल रहे हैं मैं ये ले जाता हूँ, मैंने कहा चलो ले जाओ। तो दोनों लगे हैं ऊपर को, और अभी हमारा लगेगा लुट्टा। ठीक है वैसे भी मैंने जैकेट पहनी है, ये इसमें अगर ये घुस गए ना कुम्बर तो अंदर तक घुस जाते हैं, फिर इनको निकालना बड़ा टफ हो जाता है। अब इनकी रोज़ की आदत है, मतलब ये मत कहना यार घर वालों से काम करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ की आदत है उनकी। कितनी बार मैंने मना कर दिया फिर भी करते रहते हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ बताओ, आप ही बताओ। इनका इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट घूमने में। आपको दिखाता हूँ, देखो ये चाय पत्ती, मतलब जहाँ देखो वहाँ हमारी चाय पत्ती है, ऐसी होती है ये। एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें इस तरीके से कलियाँ आती हैं, और ये कलियों को हम लोग सुखाते हैं। हम तो क्या सिखाते हैं, मतलब जहाँ ये जाती हैं उसके बाद फॉरेन में और बंगाल वंगाल इस साइड को, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत महंगी बिकती है, यहाँ लोकल में लोगों को इसकी परख नहीं है ना। सो ऐसा कुछ है। सो बेस हमने बना दिया है, अब चल रही है ये, छोटा ज़्यादा बड़ा लुट्टा नहीं है, तो ये भी मतलब एक्सपर्ट का ही काम है, ऐसे नहीं मतलब कि कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि जब बरसात होगी तो भी पानी इसमें टिक जाएगा ना, इसका पानी भी ऐसे बनाया जाएगा कि पूरा पानी एकदम नीचे को गिरे। देखो जैसे वो है, वो बारिश भी होगी तो पूरा पानी उसमें टिकेगा ही नहीं, इस तरीके से बनाया जाता है। आधा घंटा लगा एक लुट्टा लगाने में, अब इसकी फिनिशिंग हो रही है। तो इधर इधर सब जगह हमारे लुट्टे लुट्टे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
और एक लुट्टा हम लोग बेच रहे हैं 8,000 रुपये का, मेरी मम्मी कह रही है। खरीदोगे तो बताना, मेरी मम्मी से कॉन्टेक्ट करना। और क्या बोलते हैं, कितने रुपए का बेच रही है मम्मी? हैं, बेच दे, नहीं बेच रही? इतना मस्त लग रहा है वहाँ, मेरे को तो इतनी शांति मिलती है मेरे घर में आके। देखो क्या लाइट, पूरी गोल्डन लाइट इस घास में पड़ रही है। सो गाइस ये है ब्रूनो, और एक दिन हो गया। अच्छा अभी आ रहा हूँ। तो एक दिन हो गया है, कल रात को इसने बहुत परेशान किया। मैं तो बड़ी टेंशन में आ गया था यार कि ये रह पाएगा नहीं। मैंने इसकी मम्मी से इसको अलग कर दिया है, लेकिन अगर मैं वहाँ छोड़ता तो उस बेचारे को, मतलब यार इनके बचने के चांस बहुत कम रहते हैं। कोई ना कोई गाड़ी वाले दबा के ले जाते हैं, क्योंकि रोड में जो कुत्ते हैं उनका कुछ, मतलब कुछ नहीं कह सकती कि यार कितना ज़िंदा रहेंगे। कोई नहीं पूछता है, हर कोई लात मार के जाता है, ना खाने का रहता है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग 10-15-20-50,000-40,000 के जो कुत्ते खरीदते हैं, उससे अच्छा इनको अडॉप्ट करो। कुछ नहीं खाते हैं यार, भात दाल रोटी खा लेंगे बस। अभी मन करे तो आप लोगों को चिकन खिला सकते हैं आप लोग। तो मैंने खुद से किया है, तो अब आप लोगों से कहने का हक बनता है कि आप लोग भी, मतलब एक ऐसे, अगर आपके घर वाले परमिशन देते हैं तो कुत्ते को अडॉप्ट करो, बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी मेरे मम्मी लोग भी बड़ा खुश हो रखे हैं कुत्ते को देख के। सो यही कहना था, इसलिए व्लॉग बनाया था। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करो। और अगर हाँ, अभी आप लोग ये मैसेज को फैलाना चाहते हो मेरी तरह, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस थैंक यू।